हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सहारा रिफंड पोर्टल है जो ऑन कर रखा है। यहाँ पर ले जो इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको भी फॉर्म भरना है, इसे देखकर आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। A to Z यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या आपकी क्राइटेरिया रहना चाहिए, आपको किस तरीके से कहाँ पर कितना पैसा है तो उस हिसाब से कैसे फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर सारी चीज़ मैं यहाँ पर एक एक करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, एक भी जानकारी आपकी मिस नहीं होने दूंगा। दूसरी वीडियो देखने को आपको यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं जमाकर्ता पंजीकरण जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जब पंजीकरण करना है फिर लॉगिन करना है, उसके बाद में यहाँ पर जो है आवेदन वगैरह आगे का प्रोसेस यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट के साथ में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बने रहे एंड तक जरूर से जरूर। और जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर 29 मार्च 2023 के निर्देश के अनुसार सहारा समूह की जो 4 सहकारी समिति थी उनका रिफंड प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। और इसमें जो बाकी अपने नॉलेज के लिए जो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल होने वाली है। आपके सामने जो 7 नंबर का क्वेश्चन है इस पर ध्यान दीजिए आप थोड़ा। जमाकर्ता के पास जो है मेंबरशिप नंबर, एक उसी मेंबर से आप परेशान मत होइए, आपके बॉन्ड के अंदर या पासबुक जो आपको मिली है, बॉन्ड और पासबुक दोनों, उनके अंदर आपका मेंबरशिप नंबर भी होगा, आपका जो डिपॉजिट अकाउंट नंबर है वो भी होगा, और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, आधार को मोबाइल नंबर से लिंक जरूर करवा लीजिएगा। अगर आपके बुजुर्ग सदस्य हैं, पुराना आधार कार्ड है उनका और उन्होंने पैसा इसमें जमा करवाया है, तो उनका 110% आधार जो है मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो वो पहले आप चेक कर लीजिए और वहाँ जाकर आधार सेंटर जाकर उसको लिंक करवाइए पहले, क्योंकि इसमें यह चीज अनिवार्य है। आधार से जुड़ा जो मोबाइल नंबर है ये अनिवार्य है। और इससे जुड़ा एक चीज और मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, जमा प्रमाण पत्र पासबुक जो है, यानी कि आपका जो बॉन्ड या पासबुक जो दिए हुई है आपके जो भी आपका कमीशन एजेंट था उसके थ्रू, तो वो यहाँ पर मैंडेटरी है। और अगर आपका पैसा जो 50,000 रुपये से अधिक है तो आपको पैन कार्ड भी बनवाना अनिवार्य है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपको बनवाना अनिवार्य है। इसके बाद में एक डिटेल यहाँ पर जो है छोड़ दी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आधार से जुड़ा आपका बैंक अकाउंट है, चाहे वो किसी भी बैंक के अंदर हो, आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट ये ऑटोमेटिक फैच करेगा। ये आप ध्यान रख लेना कि अगर आपने जैसे आधार नंबर डाला, जिस कैंडिडेट का यहाँ पर सहारा के अंदर अकाउंट था उसका आधार नंबर डाला आपने OTP वगैरह फिल करके, इसमें जो थर्ड ऑप्शन आता है उसके अंदर ऑटोमेटिक जो आपके आधार से रजिस्टर्ड जो बैंक अकाउंट होगा, जिसमें जो मान लो वो जीरो बैलेंस अकाउंट हो, चाहे कोई सा भी हो लेकिन आधार से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो फिर उसमें क्या है, जो पैसा आपका जो आना है, जो यहाँ पर सहारा रिफंड करेगा पैसा आपका, वो उसी अकाउंट के अंदर आएगा। यहाँ पर आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि आपका जो है अकाउंट, यहाँ पर आपको मैनुअली डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो आप बात को, कि आपको ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप अपना किसी भी खाते में पैसा ले लो अपने हिसाब से, नहीं। आधार से जो मोबाइल नंबर, आधार से जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी में पैसा आपका आएगा। तो यहाँ पर ये बात और क्लियर हो गई। इसके बाद में आपको देखो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, पैन कार्ड अनिवार्य है, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता भी अनिवार्य है, ठीक है। और इसके बाद में जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो क्या यह दावा अनुरोध दायर कर सकता है, तो जी नहीं, आधार से जुड़े बैंक खाते के बिना जमाकर्ता दावा दायर नहीं कर सकता। तो आधार से जोड़ने के लिए जमाकर्ता के बैंक खाते में सुरक्षित निधि हस्तांतरण की सुविधा मिलेगी। सीधी सी बात यह है कि आपके जो आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता है उसी में आपको जो है पेमेंट रिसीव होगा। तो इसके बाद में बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग की जांच कैसे करें, तो आपके लिए ये लिंक है जो प्रोवाइड करवा दी गई है। तो यहाँ पर आप जाइए और इस तरीके से आप यहाँ पर आधार नंबर डालिए और सेंड OTP पर क्लिक करके OTP वगैरह फिल करके आपको पता लग जाएगा आपके बैंक का आज आधार से कौन सा बैंक है वो लिंक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर लगभग आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसकी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। इस तरह की वीडियो आपको पूरे YouTube के अंदर अभी तक किसी ने भी यहाँ पर नहीं डाली है। तो हम यही कह रहे हैं आपसे कि अगर आपको इस तरीके की नॉलेज लेनी है या जानकारी लेते रहना है, और हम इस चैनल पर इसी तरह की जानकारी लाते रहते हैं, तो सहारा से रिलेटेड, सहारा रिफंड पोर्टल से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी इस चैनल पर आती रहेगी। तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और आपके फ़ायदे की चीज़ है, तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो मैं पर आपको छोटी से छोटी जानकारी देने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो है आप इसे देख भी सकते हैं अपने फ़ोन पर खोलकर डेस्कटॉप मोड पर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो है जानकारी है। तो मैं आपको पूरा क्लियर एक बार बताने के बाद में यहाँ पर देखिए आप,
मैं यहाँ पर फटाफट फटाफट आपको जो प्रोसेस आगे का है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने जो है आधार के 4 अंक डाल दिए हैं और यहाँ पर आधार से जुड़ा जो मोबाइल नंबर है वो भी मैंने यहाँ फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर OTP प्राप्त करे पर जो क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो दूसरा पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसमें मुझे है जो OTP भरनी पड़ेगी, उसके बाद मैं लॉगिन जमा करता लॉगिन पर आके अपना जो दोबारा आधार के 4 अंक है और मोबाइल नंबर सेम एज इट इज इसी तरह डालने हैं। OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में इसमें आगे आपका आवेदन है वो खुल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानकारी पूरी दूंगा, तो एंड तक जरूर बने रहे क्योंकि बहुत ही डीपली यहाँ पर जानकारी चाहिए, क्योंकि आपके पैसे का सवाल है, गलती होने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपको जैसे 10 वीडियो देखना पड़े उससे बढ़िया एक वीडियो आप 10 मिनट की देख लीजिए, उसमें आपको सारी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो पोर्टल है उसके ऊपर आपको 4 अंक की आधार संख्या दर्ज करनी है, आधार नंबर जो अंतिम 4 अंक है आधार कार्ड के वो आपको यहाँ पर दर्ज करने और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करके OTP प्राप्त करें पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेकंड जो ऑप्शन वो आएगा तो यहाँ पर OTP का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। उसके बाद में आपको OTP दर्ज कर लेनी है, उसके बाद आपका जो है ID सफलतापूर्वक यहाँ पर पंजीकरण हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए सेम आपको 4 नंबर लास्ट के आधार नंबर यहाँ पर डालने हैं, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। आपका मोबाइल नंबर डालते ही जैसे OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज दोबारा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर OTP दर्ज करने के बाद OTP सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल है जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो क्लिक करना है नियम और शर्तें पर, मैं सहमत ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे आपका जो पोर्टल सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पूरे आधार नंबर 12 के 12 आधार नंबर यहाँ पर जो है डालने हैं, 12 डिजिट के सॉरी, तो यहाँ पर 12 अंक के जो हैं आधार नंबर रहते हैं वो आपको यहाँ पर पूरे फिलअप करने हैं। उसके बाद OTP प्राप्त करने पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो जो OTP आएगी आपके आधार पे वो यहाँ पर आपको OTP डालनी है। उसके बाद OTP सत्यापित करे पर करके यहाँ पर जो है अगला ऑप्शन का नाम है जो खुल जाएगा। तो अगले पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर OTP सत्यापित करने के बाद में कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो है आपका नाम नंबर सब कुछ खुल जाएगा। OTP वहाँ से सत्यापित होगी और आपका जो आधार के अंदर एड्रेस वगैरह है सारा कुछ यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला नाम राजेश, जो आपको मिडल नेम होगा, आपका सर नेम होगा, वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा और जन्म की तारीख भी यहाँ पर आपकी फिलअप हो जाएगी ऑटोमेटिक, और आपके पिता या पति का नाम जो होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच कर लिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो वैकल्पिक है जो ऑप्शन है ईमेल का, ये वैकल्पिक है यानी कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास है ईमेल ID तो आप रजिस्टर्ड जरूर करें, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास है तो जरूर रजिस्टर्ड करें क्योंकि इस पर आपके सामने नोटिफिकेशन जो आपकी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके मेल पर भेजे जा सकेंगे। तो इसके बाद में इस पर क्लिक करके ईमेल सहेजें और अगले पर क्लिक करेंगे, अगला बटन जैसे ही दबाएंगे आप तो थर्ड ऑप्शन कुछ इस तरीके का खुलेगा यहाँ पर। तो सोसाइटी का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, 4 सोसाइटी यहाँ पर दिखाई देंगी आपको, चारों में से जो आपके बॉन्ड के ऊपर फ्रंट में लिखा हुआ है हेडलाइन पर वहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में सदस्यता मेंबरशिप नंबर यहाँ पर, खाता संख्या यहाँ पर, प्रमाण पत्र पासबुक नंबर, खाता खोलने की विधि जो है डेट है जो वो यहाँ पर डालनी है। उसके बाद जमा योगदान राशि कितना आपका अमाउंट है, आपने जमा कितना किया, मैच्योरिटी अमाउंट नहीं, ये नहीं कि आपको बैंक कितना देगा ब्याज लगा के नहीं, जितना आपने पर किस्त पर वहाँ जमा किया है, जैसे 40 महीने 5,000 रुपये के हिसाब से जमा किया है 40 महीने, तो 40,000 रुपये आपने जमा किया है, उस पर ब्याज कितना देगा वो नहीं दे रहा, सिर्फ आपका 40,000 रुपये यहाँ पर, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है आपका डिपॉजिट अमाउंट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर दावा जोड़े, तो आपके पास में एक व्यक्ति के नाम से मान लो 2 हैं 3 हैं 5 हैं अकाउंट और उन्होंने 5ों में पैसा जमा करा, एक सदस्य जिसका आधार कार्ड है उसके नाम से जितने अकाउंट हैं, जितने बॉन्ड हैं, जितनी उसके पास में सारा के बॉन्ड वगैरह बनवा रखे हैं उसने RD वगैरह, तो वो यहाँ पर है उसको एक साथ यहाँ पर फिलअप, दूसरा ऑप्शन उसको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप उनको दावा जोड़े पर क्लिक करना है, फिर दोबारा जो दूसरी है तो दूसरी का भी डिटेल सेम ऐसे भरने, फिर दावा जोड़े पर 2, 3, 4 कितनी भी जोड़ सकते हैं आप। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको जुड़ा हुआ दिखाई देगा, यहाँ से आप एडिट और डिलीट दोनों कर सकते हैं और आगे बड़े पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है दावा प्रपत्र है वो डाउनलोड कर लेना है, इस पर एक फ़ोटो लगेगी आपकी और नीचे साइन होंगे, उसके बाद ये रीअपलोड होगा, अपलोड कर रहे हैं आप इस किसी भी फ़ोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन से, कुछ इस तरीके का जो है ये यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है, सारी डिटेल आप फिल करेंगे तो आपको ये भरा भरा है कम्प्लीट मिलेगा, बस आपको फ़ोटो और यहाँ पर सिग्नेचर करके रीअपलोड यहाँ पर कर देना है। तो इस तरीके से जैसे देखिए आप यहाँ पर फ़ोटो लगाएं और यहाँ पर
हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा आपका जो है दावा है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, वो ऑटो जनरेटेड रहेगा सिस्टम से, हैंड टू हैंड जो है आपको मिलेगा। ये नहीं आपको कहीं से लेना है और भरना है, ऐसा कुछ नहीं है, हैंड टू हैंड सिस्टम से मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको दावा आवेदन पत्र जो अभी डाउनलोड करके फोटो वगैरह चिपकाई है वो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में अगर आपका 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट है तो आपको पैन कार्ड नंबर यहाँ डाल के पैन कार्ड यहाँ अपलोड करना है। अपलोड करें पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अगले के बाद में आपका जो है दावा वो यहाँ पर सभी को स्वीकार कर लिया जाएगा। ये देखिए आप, धन्यवाद, हम आपके दावों की प्राप्ति स्वीकार करते हैं, आपका दावा अनुरोध संख्या। इस चीज़ को आप प्रिंट आउट करवा के रख लें और इसको लिख के भी रख लें, क्लेम डेट वगैरह को आपके जो भी आगे का जो वो होगा आपके अकाउंट में यहाँ पर जो है क्रेडिट पैसा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ये जो है पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया, क्या क्या इसमें चाहिए सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सबसे बड़ी बात यहाँ पर चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि सहारा से रिलेटेड और सहारा के अलावा जितनी भी जानकारी आपके रोज़मर्रा की पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जितनी भी यहाँ पर आपके फ़ायदे से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना चाहिए, आपके फ़ायदे की बात है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, धन्यवाद।